दोस्तों स्वागत है आपका हमारे प्यारे YouTube चैनल में। और आज आप लोग पढ़ने जा रहे हैं MB पब्लिकेशन का बुक, हम लोग सॉल्व कर रहे हैं जिसमें हम सेट नंबर 9 सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, 2018 का CPO का सेट है ये और सेट नंबर 9 हम सॉल्व करने जा रहे हैं। ये देखिए 2018 CPO सेट नंबर 9 है ये, यानी कि 2018 CPO का पेपर है। ठीक है, जो SSC एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है, CGL, CPO, SSC, स्टेनोग्राफर, CHSL, MTS, ठीक है, इसी में से ये CPO का पेपर है। आप लोगों को बता दें कि 2019 के जितने भी पेपर हैं, चाहे वो CGL के हों या CPO के, वो सारे सॉल्व करा दिए गए हैं। तो आप जितने लोग सॉल्व नहीं किए हैं, वो प्लेलिस्ट उसकी बन गई है, वहाँ जा कर के आप लोग देख सकते हैं, उसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। और पहला क्वेश्चन क्या है, विजनरी। ठीक है, इसे हम थोड़ा जूम कर देते हैं आप लोगों के लिए। लिखा हुआ है विजनरी। विजनरी का मतलब क्या होता है? विजनरी का मतलब होता है काल्पनिक। ठीक है, इसका हमें एंटोनिम लिखना है। पहला क्या दिया गया है? विजनरी। विजनरी का मतलब होता है काल्पनिक, इसका एंटो लिखना है। पहला ऑप्शन दिया गया क्रिएटिव। क्रिएटिव का मतलब कुछ क्रिएटिव जैसे कुछ करते हैं वो होता है। प्रैग्मेटिक। प्रैग्मेटिक का मतलब व्यवहारिक होता है। ठीक है, किसी चीज़ के प्रैग्मेटिक अप्रोच होती है, मतलब व्यवहारिक तरीके से जिसे व्यवहार में लाया जा सके वो होता है प्रैग्मेटिक। ठीक है, फ्यूचरिस्टिक फ्यूचर से बना हुआ है। और इमेजिनेटिव मीन्स होता है काल्पनिक। हमें विजनरी मीन्स होता है काल्पनिक। विजनरी का मतलब क्या होता है? काल्पनिक। और हमें इसका एंटो लिखना है। तो बताइए काल्पनिक का एंटो क्या हो जाएगा? व्यवहारिक। जो कोई चीज़ काल्पनिक है तो इसका अपोजिट क्या होगा? कोई चीज़ जो व्यवहार में लाई जा सके, तो इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे? प्रैग्मेटिक। तो सही ऑप्शन नंबर बी आपका जो होगा वो सही आंसर होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या दिया गया है? अनलेस यू डू नॉट रन फास्ट। अनलेस यू डू नॉट रन फास्ट, आप लोग देखते ही जान गए होंगे कि अनलेस के साथ हम नॉट का यूज नहीं करते हैं, तो नॉट को हटा देंगे। ठीक है, अनलेस के साथ हम नॉट का यूज नहीं करते हैं। अनलेस यू डू नॉट रन फास्ट, यू कैन नॉट कैच द बस। ठीक है, जब तक तुम तेज नहीं दौड़ोगे तब तक तुम बस को नहीं पकड़ सकते हो। तो जब तक की नहीं, अनलेस का मतलब होता है। अनलेस का मतलब ऐसे ध्यान दीजिए, अनलेस का मतलब होता है इफ़ नॉट, यदि नहीं। यदि तुम तेज नहीं दौड़ोगे तो तुम बस को नहीं पकड़ सकते हो। अनलेस का मतलब होता है इफ़ नॉट, ये कंडीशन बताता है। और एक होता है अनटिल, और अनटिल का मतलब होता है आपका टिल नॉट। अनटिल का मतलब क्या होता है? टिल नॉट। ठीक है, तो अनलेस और अनटिल के बारे में ये जानकारी मिल गई। अब हम बता दें आप लोगों को कि अनलेस के साथ नॉट का यूज नहीं करते हैं। हार्डली के साथ नॉट का यूज नहीं किया जाता है। बेयरली के साथ नॉट का यूज नहीं करते हैं। स्कार्सली के साथ नॉट का यूज नहीं करते हैं। ठीक है, हार्डली, बेयरली, स्कार्सली। सेल्डम के साथ हम नॉट का यूज नहीं करते हैं। ठीक है, हार्डली, बेयरली, स्कार्सली, सेल्डम, इन सब के साथ हम नॉट का यूज नहीं करते हैं। फॉरबेड के साथ नहीं करते हैं। फॉरबिड का मतलब होता है मना करना, तो इसके साथ हम नॉट का यूज नहीं करते हैं। तो ये सारी चीज़ें ध्यान दीजिएगा कि इन सब के साथ हम नॉट का यूज नहीं करेंगे। ठीक, अब हम देखते हैं अनलेस यू डू नॉट रन फास्ट। तो यहाँ पे अनलेस के साथ चूंकि हम नॉट का यूज नहीं करते, तो नॉट को हटा देंगे। तो यू डू नॉट किस में लिखा है? ऑप्शन नंबर ए में। तो आपका जो ऑप्शन नंबर ए है वो सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें और क्या चीज़ ध्यान देना है। फास्ट, फास्ट जो होता है वो एडजेक्टिव भी होता है और एडवर्ब भी होता है। ठीक है, तो ये ध्यान देना है कि फास्ट का कभी फास्टली नहीं होता है। यहाँ से आपका एरर पूछा जाता है। 23 दिसंबर की फर्स्ट शिफ्ट में फास्ट का फास्टली एरर दो बार एक ही पेपर में फास्ट की जगह पे फास्टली दो एरर में लिख करके दिया हुआ था। ठीक है, जाकर के SSC स्टेनोग्राफर का 23 दिसंबर की फर्स्ट शिफ्ट का अगर आप लोग पेपर ओपन करेंगे तो वहाँ आप लोगों को मिलेगा। ठीक है, कि आप लोगों को ये मिलेगा कि फास्टली जो है वो नहीं होता है, एरर माना जाता है, वही SSC स्टेनो में जो है वो पूछा गया है। ठीक है, एक ही पेपर में फास्टली दो बार पूछा गया है एरर। एरर के क्वेश्चन में दो बार एरर यही था कि वहाँ फास्टली दिया हुआ था। तो फास्ट का फास्टली नहीं होता है। तो कुछ चीज़ें हैं जैसे स्ट्रेट, स्ट्रेट का कभी स्ट्रेटली नहीं होता है। ठीक है, स्ट्रेट जो है वो एडजेक्टिव भी होता है, एडवर्ब भी होता है। तो कभी स्ट्रेट का स्ट्रेटली नहीं होता है, 2016 में पूछा गया है। ठीक है, ध्यान देते हुए ये चलना है। कैन नॉट से हमें ये ध्यान रखना है कि कैन या कुड के साथ कभी भी नॉट, कैन या कुड के साथ कभी भी एबल का यूज नहीं करते हैं। ठीक है, कैन या कुड के साथ कभी भी क्या नहीं यूज करते हैं? एबल का यूज नहीं किया जाता है। इतनी बातें ध्यान रखनी है हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्या दिया गया है? ए लॉट ऑन द प्लेट।
ए लॉट ऑन द ऑन योर प्लेट का मतलब बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी ले लेना, क्या होता है बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी ले लेना, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, हैविंग मेनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ठीक है बहुत अधिक जिम्मेदारी ले लेना। ऑप्शन नंबर बी दिया गया हैविंग ए लार्ज मील, बहुत ज़्यादा मील, बहुत ज़्यादा भोजन कर लेना। हैविंग वेल्थ इन अबंडेंस, इन अबंडेंस का मतलब होता है प्रचुर मात्रा में, ठीक है इन अबंडेंस का क्या मतलब होता है प्रचुर मात्रा में, तो आप लोग इन अबंडेंस लिख लीजिएगा इसे, इन अबंडेंस का मतलब होता है प्रचुर मात्रा में। अगला क्या दिया गया हैविंग समथिंग विच इज कॉज एनवी, ठीक है एनवी मीन्स ईर्ष्या होती है, ठीक है तो यहाँ पे होना क्या चाहिए ए लॉट ऑन योर प्लेट, ये एक प्रकार का ईडियम है, इसका मतलब होता है बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी लेना, और ऑप्शन नंबर ए में आपका दिया गया हैविंग मेनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, तो यही आपका आंसर जो है वो सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर, क्वेश्चन नंबर फोर आपका क्या दिया है इरेशनल फियर ऑफ क्लोज्ड और कन्फाइंड प्लेस, क्लोज और कन्फाइंड प्लेस के जो इरेशनल फियर होता है उसे हम क्या बोलते हैं, तो उसे बोलते हैं हम क्लस्ट्रोफोबिया, ठीक है ऊंचाई से डर जो बंद स्थान से डर जो लगता है उसे हम क्या बोलते हैं क्लस्ट्रोफोबिया। क्लेप्टोमेनिया आप लोग कमेंट करके बताएंगे। हाइड्रोफोबिया जो होता है वो होता है पानी से डर, और इंसोमेनिया होता है क्या नींद में चलने की बीमारी होती है क्या, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा इसे, ठीक है। अब हम बता दें आप लोगों को कि कई लोगों ने कमेंट करके क्वेश्चन को पिछले मतलब जो वीडियो एमबी की पढ़ी थी उसको कमेंट करके उसके आंसर को बताया है। ज्योति जी ने इक्विवेलेंट का बताया है, ठीक है ओमिजन की सही स्पेलिंग बताई है। दीपक सैम्पी इन्होंने भी बताया है, काफ़ी अच्छा मतलब ढेर सारी चीज़ें लगभग इन्होंने लिख दिया है, जितने भी इक्विवेलेंट के ओमिजन के होमोजीनियस का जितना भी स्पेलिंग सही होती है वो सारा लिखा है। सत्यम स्टेनोग्राफर इन्होंने भी इक्विवेलेंट की स्पेलिंग बताई है, ठीक है इस तरीके से आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। सत्यम स्टेनोग्राफर ने कंटेम्पररी कलीग की भी बताई है, मीनिंग बताई है। वर्तिका चौधरी जी ने भी बताया है, ठीक है इस तरीके से आप लोग मेहनत कर रहे हैं इसका मतलब। मासूम बॉय थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच, जो भी कुछ लिखा थैंक यू वेरी नाइस वीडियो, ठीक है कहाँ थे भाई मासूम बॉय जी इतने दिन कहाँ थे आप। पूर्णिमा पाल जी ने भी बताया है ओमिजन और पर्सोनल की स्पेलिंग बताई है, पर्सोनल की स्पेलिंग PERSONNEL, ठीक है तो काफ़ी लोगों ने बहुत अच्छा आंसर दिया है, रिस्पांस काफ़ी अच्छा आ रहा है। मैंने बताया था कि आप लोग जितना अच्छा रिस्पांस करेंगे उतनी अच्छी वीडियो आप लोगों की पढ़ना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है तो और क्लस्ट्रोफोबिया बंद स्थान से डर को क्या बोलते हैं क्लस्ट्रोफोबिया बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिया है फिलिप का मतलब होता है प्रोत्साहन, फिलिप का मतलब होता है कोई प्रोत्साहन, तो बूस्ट हो जाएगा सही, ठीक है। एक होता है फ्लिप और फिलिप में अंतर है देखिए स्पेलिंग में। ऑप्शन नंबर ए दिया गया है फ्लिप का मतलब होता है टक्कर मारना, फ्लिप का मतलब क्या होता है टक्कर मारना। और क्या देखते हैं हम नॉक एट होता है, आप लोग नॉक से ध्यान दीजिएगा, नॉक एट का मतलब होता है दरवाज़ा खटखटाना, ठीक है नॉक एट का मतलब क्या होता है दरवाज़ा खटखटाना। नॉक डाउन का मतलब होता है रन डाउन कुचल देना, नॉक डाउन का मतलब क्या होता है कुचल देना होता है। नॉकआउट तो नॉकआउट पंच होता है टक्कर मारकर बेहोश कर देना, ठीक है तो वो आपका नॉकआउट होता है, तो आप लोग इस तरीके से लिखते रहिएगा। ब्लो अवे के साथ अवे का यूज देख लीजिएगा, ब्लो अवे का मतलब होता है किसी को हरा देना, जैसे कि रविंद्र जडेजा ने हरा दिया रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को, तो जडेजा ब्लू अवे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, ठीक है रॉयल चैलेंजर्स। तो इस तरीके से हम एक बार आप लोगों को एग्जांपल दे करके हमने वो कैप्स वाले सेशन में बताया भी है, ठीक है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स क्या दिया गया है, स्कार्सली सी हैड हियर द न्यूज़ वैन सी फेंटेड, तो हमें मालूम होना चाहिए कि हार्डली बेयरली स्कार्सली के साथ वैन का यूज होता है, तो हुआ है। अब हम और क्या देखते हैं कि जब भी सेंटेंस की शुरुआत में स्कार्सली आता है तो वहाँ इन्वर्जन लगता है, ठीक है सेंटेंस की शुरुआत में हार्डली आ जाए बेयरली आ जाए स्कार्सली आ जाए, ठीक है सेल्डम आ जाए सेल्डम नेवर, ठीक है नो सूनर, इन सब से अगर सेंटेंस की शुरुआत होती है तो इसमें इन्वर्जन लगता है, मतलब इन सभी शब्द के बाद हेल्पिंग वर्ब लिखी जाती है फिर सब्जेक्ट लिखा जाता है फिर मेन वर्ब लिखा जाता है, यानी कि हेल्पिंग वर्ब यहाँ क्या है स्कार्सली पहले लिखा जाएगा, स्कार्सली के बाद क्या लिखा जाएगा हेल्पिंग वर्ब हैड, फिर सब्जेक्ट आएगी सी,
ठीक है, और फिर मेन वर्ब आएगा हियर्ड, ठीक है। हियर्ड जो है वो हियर की थर्ड फॉर्म यहाँ लिखी गई है, हियर्ड द न्यूज सी फेंटेड, ठीक है। और बेहोश होने का एक फ्रेजल वर्ब होता है पास आउट, पास आउट का भी मतलब बेहोश होना होता है, ध्यान दीजिएगा। एक फ्रेजल वर्ब की कई मीनिंग होती है, ठीक है। तो यहाँ पे गलती क्या थी, स्कार्सली है से सेंटेंस शुरुआत हुआ है तो यहाँ इन्वर्जन लगना चाहिए, यानी कि पहले हेल्पिंग वर्ब हैड पहले आनी चाहिए, होना चाहिए स्कार्सली हैड सी हियर्ड द न्यूज व्हेन सी फेंटेड, फेंट का मतलब बेहोश होना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, कैन यू गो एंड आस्क फ्रॉम द कुक इफ़ द टी इज रेडी, क्या तुम जा सकते हो और पूछ सकते हो कुक से कि क्या टी जो है वो रेडी है। तो आस्क कहते हैं ही आस्क्ड मी, ऐसे बोलते हैं ना, ही आस्क्ड मी, उसने मुझसे पूछा। तो यहाँ कोई आस्क के साथ प्रीपोजिशन लगाते हैं क्या, नहीं, ही आस्क्ड फ्रॉम मी तो बोलते नहीं, हम बोलते हैं ही आस्क्ड मी, तो जिससे पूछा जाता है वहाँ कोई प्रीपोजिशन आस्क के साथ नहीं लगाएंगे, क्या, ठीक है। द टीचर आस्क्ड मी, टीचर ने मुझसे पूछा। तो वैसे कैन यू गो एंड आस्क द कुक, यहाँ फ्रॉम नहीं लगेगा, तो फ्रॉम ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है आस्क के साथ, इसलिए ऑप्शन नंबर ए गलत है। आस्क के साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं लगना चाहिए, यहाँ पे ऑफ लगाया है आस्क के साथ, इसलिए ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, क्योंकि नो इम्प्रूवमेंट इसलिए नहीं हुआ क्योंकि आस्क के साथ फ्रॉम ऑलरेडी उसमें दिया गया था, ठीक है। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर जो आपका डी सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसे सब बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट हमें जो देखना है वो क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है, व्हेन यू हैव बीन फ्रॉम, अच्छा वेयर यू हैव बीन फ्रॉम सच ए लॉन्ग टाइम, यहाँ पे लिख उठा है, जिसकी भी बुक थी, हम किसी की बुक से ही फ़ोटो लिए हैं, उस पर लिखा गया था। यहाँ पे होना क्या चाहिए, फॉर सच ए लॉन्ग टाइम, फॉर ए लॉन्ग टाइम होता है, ठीक है, फॉर ए लॉन्ग टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, फॉर सच ए लॉन्ग टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं हम, रिलेटिंग टू स्पीड क्लोज टू दैट ऑफ साउंड, इसे आप लोग कमेंट करके बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 9, हम दो क्वेश्चन दिए हैं आप लोगों को कमेंट करने के लिए, तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा क्वेश्चन नंबर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में, एक्सप्लेनेशन का जो स्पेलिंग होगी वो ई एक्स पी एल ए आई नहीं लगेगा, यहाँ आई नहीं होना चाहिए बीच में, ई एक्स पी एल ए एन ए टी आई यू एन एक्सप्लेनेशन, ठीक है, तो वहाँ पर आई नहीं रहेगा। आगे एक्सप्लेन्ड मतलब जानते हैं आप लोग, एक्सपेरिमेंट एक्सपर्टाइज सारी चीज़ें आप लोगों को मालूम है, ठीक है। नेक्स्ट हम क्या देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 क्या दिया गया है, वी डिड नॉट बाई द डाइनिंग टेबल, हम डाइनिंग टेबल हमने नहीं ख़रीदा, बिकॉज क्योंकि डैश वाज टू एक्सपेंसिव, ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव था, क्या, डाइनिंग टेबल, और डाइनिंग टेबल के लिए क्या लगाएंगे हम, बिकॉज इट वाज, क्यों, इट्स इट इज़ ये सब नहीं होगा, ये देख लेते हैं हम। पहली बात, ये जो आई टी के बाद ऐसे लगा ये लिखा जाता है, इसका मतलब होता है इट इज़, इसका मतलब क्या होता है, इट इज़ होता है, ठीक है। एक होता है आई टी एस जो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, ये पजेसिव एडजेक्टिव है, ये नाउन के पहले आता है, यहाँ वर्ब दी गई है और वर्ब के पहले सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन आना चाहिए, और ही सी इट दे ये सभी सब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन हैं, तो यहाँ पे इट का यूज़ होना चाहिए। प्रोनाउन की वीडियो जो है वो पड़ी हुई है, उसमें बहुत ही डिटेल में सारी चीज़ें बताई गई हैं, तो जिन लोगों ने नहीं देखा है वो जाकर के वहाँ ज़रूर देख लें, प्रोनाउन में काफ़ी अच्छे से आप लोगों को प्रोनाउन पूरा सही से समझाया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, ही सैट डाउन बिसाइड मी, वो मेरे बगल बैठ गया, एंड स्टार्ट के बाद वर्ब की आई एन जी फॉर्म लगेगी, ठीक है, स्टार्ट के बाद क्या लगती है, वर्ब की आई एन जी फॉर्म, स्टार्ट रीडिंग द न्यूज़पेपर, और रीड मतलब न्यूज़पेपर को रीड करना शुरू किया, ठीक है। तो वहाँ पे क्या लगना चाहिए, एक जीरंड की ज़रूरत है वहाँ पे, स्टार्ट के बाद, वैसे भी हमने बताया है स्टार्ट डूइंग समथिंग होता है, स्टार्ट के बाद आई एन जी फॉर्म यहाँ आनी चाहिए, तो यहाँ होना चाहिए स्टार्ट रीडिंग, और हमने न्यूज़पेपर में ये सारी चीज़ें कई बार बताई हैं, ठीक है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, स्टार्ट से हमें सारी चीज़ें याद आ जाती हैं, स्टार्ट फॉर का मतलब होता है प्रस्थान करना, लीव फॉर का मतलब प्रस्थान करना होता है, सेट ऑफ का मतलब प्रस्थान करना होता है, और गेट ऑफ का मतलब प्रस्थान करना होता है, ठीक है। तो ये हो गया इतना, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, अगला क्वेश्चन आपका पैसेज है, तो पैसेज तो आप लोग करिएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हम
अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 क्या दिया गया है। एवरीथिंग हैपेंड डैश क्विकली डैश आई फेल्ट डैश्ड, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या रखेंगे, यहाँ पे तो एडवर्ब है, ठीक है। क्विकली एक प्रकार का एल वाई लगा हुआ है, एडवर्ब है, आप लोग जानते हैं। अब पहला ऑप्शन दिया गया है एज सो। एज सो का यूज पता है कहाँ होता है, जब ये तब होता है ये एज और सो, जैसे जैसा तुम बोगे वैसा काटोगे, एज यू सो सो यू रीप, तो जैसा वैसा के अर्थ में होता है एज सो का यूज। तो एज सो तो यहाँ होगा नहीं, ठीक है। अब देखते हैं हम सेकंड ऑप्शन दिया गया है एज एज। एज एज का यूज जो है, पहली बात आप लोग देख लीजिए, एज एज का यूज जो है वो अफर्मेटिव और निगेटिव दोनों सेंटेंस में होता है, और सो एज का यूज सिर्फ और सिर्फ निगेटिव सेंटेंस में होता है। एज एज का यूज अफर्मेटिव और निगेटिव दोनों में होता है, जबकि सो एज का यूज सिर्फ और सिर्फ निगेटिव में होता है। अब बताइए ये सेंटेंस किस में है, अफर्मेटिव में है, और अगर सेंटेंस अफर्मेटिव में है तो ये बताइए क्या सो एज होगा, यहाँ पर सो एज नहीं होगा, क्यों, क्योंकि सेंटेंस जो है वो अफर्मेटिव में है। अब हम देखते हैं एज एज और क्या दिया गया है, सो दैट। सो दैट का यूज होता है इतना की के अर्थ में। सो दैट का यूज होता है किसके अर्थ में, इतना की के अर्थ में, ठीक है। सभी चीज़ें इतनी जल्दी घटित हुई, ठीक है, तो इतना, इतनी और की, इतनी जल्दी घटित हुई कि आई फेल्ट डैश्ड, कि मैं चकाचौंध रह गया, ठीक है। इतनी की या इतना की के अर्थ में हम सो दैट का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, सो दैट का यूज होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ए थिंक दैट मोटिवेट्स और इनकरेज्स समवन टू डू समथिंग। किसी व्यक्ति को कोई चीज़ जो दी जाती है इनकरेज करने के लिए, वो होता है इंसेंटिव। इंसेंटिव दिया जाता है, ठीक है। पहला ऑप्शन दिया गया रिम्यूनरेशन। रिम्यूनरेशन का मतलब क्या होता है, रिम्यूनरेशन का मतलब होता है पारिश्रमिक। रिम्यूनरेशन का मतलब क्या होता है, पारिश्रमिक होता है, ठीक है। सैलरी आप लोग जानते हैं, अलायंस भत्ता होता है, जानते होंगे आप लोग। तो यहाँ सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, इंसेंटिव हो जाएगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, इसमें ढेर सारी चीज़ें देखिए आप लोग, यहाँ देखिए क्या दिया गया है। पहला आंसर क्या दिया गया है, पहला ऑप्शन क्या इसमें लिखा क्या गया है देखिएगा आप लोग, माइंड माउंट एगोंग। इसमें कुछ हम बाद में हमें समझ में आता, आप लोग पहले देखिएगा फिर मैं एक चीज़ बताता हूँ आप लोगों को। माउंट एगोंग इज़ ए वॉल्केनो। पहले हम क्लोज टेस्ट लगाते समय पहले पूरा पढ़ लेते हैं, तो चलिए पढ़ लेते हैं, देखते हैं क्या सही होगा क्या गलत होगा, ठीक है। पहले हम पढ़ के देखते हैं, हम चलिए अब हम देखते हैं इसमें सही क्या है गलत क्या है। पहला क्या दिया गया है, माउंट एगोंग इज़ ए वॉल्केनो। माउंट एगोंग क्या है, एक वॉल्केनो है ऑन द पॉपुलर टूरिस्ट आइसलैंड ऑफ बैली इन इंडोनेशिया, ठीक है, इंडोनेशिया में। पहले हम एक बार मोटी मोटी मीनिंग पूरी पैसेज की निकालते हैं, फिर क्लोज टेस्ट को सॉल्व करते हैं। द वॉल्केनो डैश इन नवंबर 2017, मोर देन 1,34,000 पीपल वर डैश टू सेफ एरियाज इन एडवांस, ठीक है। दे डैश हाउस्ड फार अवे फ्रॉम द वॉल्केनो, सम हैड रिफ्यूज द लीव, दीज पीपुल डिड नॉट डैश टू लीव देयर होम्स, दे वॉन्टेड टू टेक केयर ऑफ देयर फार्म्स एंड एनिमल्स। अब हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये माउंट एगोंग एक वॉल्केनो है, ठीक है, ज्वालामुखी के बारे में बात कर रहा है। अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं और समझते हैं क्या सही होगा। माउंट एगोंग इज ए वॉल्केनो। माउंट एगोंग एक वॉल्केनो है ऑन द टॉप ऑन द पॉपुलर टूरिस्ट आइसलैंड ऑफ बैली इन इंडोनेशिया। आगे देखते हैं, द वॉल्केनो डैश इन नवंबर 2017, ठीक, नवंबर में जो है वॉल्केनो क्या हुआ, फायर हुआ, जल गया, ब्लास्ट हुआ वॉल्केनो, एक्सप्लोड हुआ या इरप्ट हुआ। इरप्ट का मतलब होता है फूटना, और वॉल्केनो इरप्शन होता है, आप लोग लिख लीजिएगा, इरप्ट का मतलब होता है फूटना, वॉल्केनो इरप्ट इरप्शन होता है, ज्वालामुखी का फूटना, उसको हम क्या बोलते हैं, वॉल्केनो इरप्शन बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, इरप्ट होना चाहिए, यहाँ पे क्या सही होगा, इरप्टेड, वॉल्केनो इरप्टेड, जो कि वो ज्वालामुखी जो है वो फूटा इन नवंबर 2017, नवंबर 2017 में। मोर देन 1,34,000 पीपल वर, 1,34,000 से ज़्यादा पीपल जो हैं वर डैश टू सेफ एरियाज, वो क्या किए गए सेफ एरियाज में, एग्जिटेड बाहर निकाले गए, ठीक है, लेफ्ट छोड़ दिए गए, एबंडन का मतलब त्याग दिए गए, इवैकुएट का मतलब होता है
खतरे के स्थान से किसी व्यक्ति को ले जाना, खाली कराना, ठीक है। खतरे के स्थान से कोई व्यक्ति निकालना, कहीं पे आग लग गई है वहाँ से लोगों को इवैकुएट किया जाएगा, वहाँ से लोगों को क्या किया जाएगा, इवैकुएट किया जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे तो वॉल्केनो इरप्शन हुआ है तो यहाँ से लोगों को इवैकुएट करने की बात की जा रही है, यहाँ पे होना क्या चाहिए, इवैकुएटेड, ठीक है। द पीपल वर इवैकुएटेड टू सेफ एरियाज, उन्हें इवैकुएट करके कहाँ ले जाया गया, सेफ एरियाज में ले जाया गया इन एडवांस पहले ही। दे डैश हाउस्ड फार अवे, उन्हें हाउस्ड मतलब उन्हें मतलब घर प्रदान किया गया या स्थान दिया गया फार अवे फ्रॉम द वॉल्केनो, जहाँ वॉल्केनो इरप्शन हुआ था, जहाँ ज्वालामुखी फूटी थी उससे दूर, ठीक है, उससे दूर उन्हें घर दिया गया हाउस्ड, ठीक है, वो यहाँ वर्ब है। तो दे डैश हाउस्ड, उन्होंने किसी को घर नहीं दिया, उन्हें घर दिया गया है, दिया गया, ठीक है। अब बताइए क्या हैव होगा, हैव तो एक्टिव वॉइस में है और ये दे जो है वो लोगों के लिए है, दे ने किसी को घर नहीं दिया है, दे को घर दिया गया है, यानी पैसिव वॉइस में होना चाहिए। तो हैव तो होगा नहीं क्योंकि हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म एक्टिव वॉइस में हो जाएगा, हैड प्लस वर्ब, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ये भी एक्टिव वॉइस में हो जाएगा। अब या तो वर होना चाहिए या तो इज होना चाहिए, दे के साथ क्या लगेगा, दे के साथ क्या इज लगेगा, नहीं, तो दे के साथ क्या लगेगा, दे के साथ वर लगना चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दे वर, और वर जो है वो वर्ब बी की फॉर्म है और फिर हाउस्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म है। अब ये बन गया पैसिव वॉइस में, ठीक है। दे वर हाउस्ड, उन्हें स्थान दिया गया फ्रॉम अवे, फार अवे फ्रॉम द वॉल्केनो, वॉल्केनो जहाँ इरप्शन हुआ था उससे दूर, ठीक है। आगे डैश, सम हैड रिफ्यूज्ड टू लीव, कुछ लोगों ने वो उस स्थान को छोड़ने से क्या कर दिया, मना कर दिया। यहाँ भरना है क्या, कुछ लोगों, एक तरफ कहा जा रहा है कि कुछ लोगों को वहाँ से दूर, वॉल्केनो इरप्शन जहाँ हुआ था वहाँ से दूर उनको घर दे दिया गया, रहने का स्थान दे दिया गया, और दोबारा कह रहा है कि कुछ लोग जाने से मना कर रहे हैं। दो अपोजिट बातें हैं ना, दो अपोजिट बातों को जोड़ने के लिए बिकॉज आएगा, नहीं, बिकॉज तो कारण बताता है, मोर ओवर का मतलब होता है इसके अतिरिक्त, जैसे मेरे पास बाइक के अलावा कार भी है, ठीक है, तो मोर ओवर का वहाँ यूज़ कर सकते हैं, के अतिरिक्त या के अलावा के सेंस में। वेदर का मतलब होता है जबकि, और हाउएवर का मतलब होता है हालांकि, ठीक है। हाउएवर भी यूज होता है दो विपरीत सेंटेंस के लिए, ये एक प्रकार का हाउएवर एडवर्ब होता है जो ये बताता है जहाँ पर लग जाता है हालांकि, हालांकि का मतलब अपोजिट वर्ड, अपोजिट सेंस आएगा। तो कुछ लोगों को तो घर दिया गया, रहने के लिए स्थान दिया गया, हालांकि कुछ लोगों ने क्या किया, उसे रिफ्यूज़ कर दिया, वहाँ रहने से क्या कर दिया, मना कर दिया, वो वहाँ से उस स्थान को लीव करने से मना कर दिया, ठीक है। आगे क्या लिखा हुआ है, दीज पीपुल डिड नॉट डैश टू लीव, उन पीपुल ने, दीज पीपुल डिड नॉट डैश टू लीव देयर होम्स, ठीक है, क्या उन्होंने नहीं किया लीव देयर होम्स के लिए। आगे देखते हैं हम, डिड नॉट डिज़ायर, डिड नॉट विश, विश का मतलब होता है इच्छा, कोई भी विश आपकी हो सकती है जनरली, तो वो विश होती है, डिड नॉट विश टू लीव देयर होम्स, उनकी इच्छा नहीं थी घर छोड़ने की, ठीक है। फैंसी, फैंसी तो होना नहीं है, फैंसी कोई चीज़ मतलब ही नहीं, कोई लॉन्ग का भी मतलब नहीं है, या तो विश होना चाहिए या डिज़ायर होना चाहिए। तो आप लोग देखिएगा, डिज़ायर का मतलब होता है स्ट्रांग विश, तीव्र इच्छा, उनकी बहुत ज़्यादा इच्छा नहीं थी, यहाँ तीव्र इच्छा की बात हो जाएगी, किसी को कोई घर छोड़ेगा तो उसके लिए तीव्र इच्छा नहीं थी, ठीक है, अपना होम छोड़ने की उसे बहुत ज़्यादा इच्छा नहीं थी, ठीक है। तो स्ट्रांग डिज़ायर की बात हो रहा है, स्ट्रांग विश का मतलब होता है डिज़ायर, डिज़ायर का मतलब होता है ए स्ट्रांग विश, बहुत ज़्यादा कोई इच्छा हो रही है तो उसे हम डिज़ायर बोलते हैं किसी काम को करने की, तो यहाँ पे डिज़ायर होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, और क्या दिया गया है आपका, क्वेश्चन नंबर 25 क्या दिया गया है, लास्ट क्वेश्चन 25 हम डेली कराते हैं। द मनी डैश बाई द स्टूडेंट ऑफ दिस स्कूल वॉज डिपॉजिटेड इन द प्राइम मिनिस्टर्स फंड, तो हमने बताया था कि जब कभी सब्जेक्ट आ जाए, नाउन या प्रोनाउन सब्जेक्ट का काम करता है, सेंटेंस के शुरुआत में अगर नाउन या प्रोनाउन आ गया तो ये सब्जेक्ट का काम करेगा, इसके बाद ये कलेक्टेड बाई, जब कभी वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट का स्ट्रक्चर आ जाए तो हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट के बाद ब्रैकेट लगाते हैं अगली वर्ब तक, ठीक है, ध्यान दीजिएगा,
कलेक्टेड बाई द स्टूडेंट्स ऑफ द स्कूल, वर्ब की थर्ड फॉर्म कलेक्टेड बाई प्लस ऑब्जेक्ट, ये पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर देता है, ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। तो जब कभी सब्जेक्ट आए और सब्जेक्ट के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई और ऑब्जेक्ट आ जाए, ठीक है, तो इसको ब्रैकेट में कर लिया जाता है। कहाँ तक? अगली वर्ब तक। देखिए, सब्जेक्ट आया, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई प्लस ऑब्जेक्ट आया, अगली वर्ब वाज है, इसके पहले तक हमने ब्रैकेट कर लिया। मनी की वर्ब क्या निकल के आई? वाज। द मनी वाज डिपॉजिटेड, मनी को डिपॉजिट किया गया इन द प्राइम मिनिस्टर फंड, प्राइम मिनिस्टर के फंड में, ठीक है। अब सारी चीज़ें तो यहाँ सही लिखी गई हैं, चलिए ऑप्शन को देख लेते हैं। बाई द स्टूडेंट ऑफ स्कूल्स, बाई द स्टूडेंट, स्टूडेंट्स ऑफ स्कूल्स, ये क्या सही होगा कि जो लिखा गया है वो सही ही लिखा गया है। फ्रॉम तो होना नहीं है क्योंकि ये वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट का स्ट्रक्चर है, ठीक है, तो यहाँ फ्रॉम नहीं लगेगा पैसिव में। अब देखते हैं, ऑप्शन नंबर बी भी कैंसिल हो गया, ऑप्शन नंबर डी जो दिया गया है, बाई द स्टूडेंट एट दिस स्कूल, नहीं, स्टूडेंट स्कूल के स्टूडेंट की बात हो रहा है ना, स्टूडेंट के स्कूल की बात हो रहा है, स्टूडेंट्स ऑफ दिस स्कूल, ठीक है, स्कूल के स्टूडेंट्स की बात हो रही है, तो वहाँ पे क्या होना चाहिए? जो लिखा गया है वो सही लिखा गया है। हमने पहली बार बताया है कि यहाँ पे द मनी सब्जेक्ट है, इसके बाद जो कलेक्टेड वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट का स्ट्रक्चर बन रहा है, और ये सही लिखा गया है। इस मनी के बारे में ये बताया गया है कि ये मनी कलेक्ट किया गया है स्टूडेंट्स ऑफ दिस स्कूल, इस स्कूल के स्टूडेंट्स के द्वारा, ठीक है, तो के द्वारा के लिए भी बाई लगेगा वैसे भी, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, सेंटेंस में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है, ठीक है, नो इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। और आप लोग जानते हैं मनी जो है वो अनकाउंटेबल नाउन होता है, और अनकाउंटेबल नाउन की विशेषता ये होती है कि अनकाउंटेबल नाउन जो है उसके बाद आने वाली वर्ब जो होती है वो सिंगुलर होती है, ठीक है, तो मनी के बाद सिंगुलर वर्ब आई हुई है, तो इस तरीके से हमें ध्यान देना है, तैयार करना है। और हमने कई बार बताया है कि प्राइम मिनिस्टर, वैसे भी बताया है, न्यूज़पेपर पढ़ाते थे ना, कि अगर प्राइम मिनिस्टर लिखा हो तो उसके पहले आर्टिकल द लगाते हैं, लेकिन अगर प्राइम मिनिस्टर के आगे उनका प्राइम, उन प्राइम मिनिस्टर का नाम लिख दिया गया है, जैसे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लिख दिया गया है, अब प्राइम मिनिस्टर के पहले द का यूज नहीं होगा। ऐसा हमने न्यूज़पेपर में कई बार सारी चीज़ें हम समझाते रहते हैं, ठीक है, तो वो आपके एरर में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो इस तरीके से आप लोग पढ़ते रहिए, बहुत अच्छे से आप लोगों का काफ़ी अच्छा रिस्पांस भी आ रहा है, बहुत लोग जो है वो कमेंट करके बता भी रहे हैं कि आप ये वीडियो जो है वो बहुत ज़्यादा आप लोग पसंद कर रहे हैं। तो जी हाँ, वीडियो अगर आप लोग पसंद करें तो आप लोगों के लिए वीडियो जो है वो हाजिर रहेगी हमेशा, ठीक है। तो आप लोगों के लिए 7 बजे जो है वो वकैप्स की वीडियो अपलोड होती है, आप लोग देखते ही हैं, उसके बाद भी वीडियो कई अपलोड होती है आप लोगों की। न्यूज़पेपर की वीडियो जो है वो सैटरडे संडे नहीं अपलोड होगी, आप लोगों की मंडे से स्टार्ट होगी, और सैटरडे संडे जो है वो वीडियो अपलोड आप लोगों की नहीं होगी, ठीक है। काफ़ी लोग कमेंट करके बताते भी हैं कि वीडियो काफ़ी अच्छा लग रहा है, प्रवेश कुमार यादव जी ने कमेंट करके बताया है, काफ़ी दिनों से ये भी लगे हुए हैं तैयारी में, ठीक है। और गौतम कुमार जी ने भी वेरी नाइस वीडियो सब लिख करके काफ़ी लोगों ने बताया है, दीपक शर्मा जी ने लिखा है, नमस्ते सर जी, तुरंत आप वीडियो तो तुरंत ही देखते हैं दीपक शर्मा जी, मानो चौरसिया इन्होंने भी लिखा है, ओके सर, ठीक है। इसी तरीके से आप लोग सैड स्टेटस, सर जी आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, थैंक यू, तो इस तरीके से आप लोग पढ़ते रहिए, आप लोग अच्छा पढ़ते हैं, ठीक है, तो आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई भी करते रहिए काफ़ी अच्छे से, क्योंकि लॉकडाउन के बाद मैं बार बार कहता रहता हूँ हर सेशन के बाद कि लॉकडाउन के बाद आप लोगों का एग्ज़ाम तो टाइम से टाइम होगा ही, तो आप स्वस्थ रहते हुए अपने हेल्थ का ध्यान रखते हुए पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए ज़रूर, ठीक है। और तो इस तरीके से आप लोग पढ़ाई करते रहिए, कोई भी दिक्कत होती है आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लग रहा है, और आप लोग जो भी वर्क दिया जा रहा है आप लोगों को कि कमेंट करके बताने के लिए, उसे भी आप लोग कमेंट करके बताइए, काफ़ी अच्छा लगता है आप लोगों का कमेंट, तो फिर और अच्छी वीडियो आप लोगों की अपलोड होती रहेगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग ध्यान दे करके बढ़िया से पढ़ाई करते रहिए, और थैंक यू।